हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपको खुशामदीद है। ड्रामा सीरियल मायरी में आयशा समीना को बता रही होगी कि हबीब ने पहली बार मुझसे प्यार से बात की, मोहब्बत से बात की और मुझसे माफी भी मांगी अपने तमाम उन गुनाहों की, तमाम उन रवैयों की जो उसने मेरे साथ किए थे। और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वही हबीब है। ये आज बदल कैसे गया? ये मुझसे माफियां कैसे मांग रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इस वक्त क्या करूं। मुझे तो अपनी किस्मत पर बहुत नाज होना शुरू हो गया था। और समीना को भी यकीन नहीं आएगा, वो भी उससे कहेगी कि ये कैसे हो गया, ये काया कैसे पलट गई, हबीब कैसे माफियां मांगने लग पड़ा तुमसे, ऐसा क्या हो गया दो दिन में? दो दिन पहले तक तो उसका रवैया कुछ और था और अब एकदम से वो ऐसा बदल गया है, किसने उसको समझाया है? तो आयशा कहेगी कि मैं भी यही सब कुछ समझ रही थी कि उसकी काया पलट चुकी है, उसको समझ आ चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो उस वक्त अंदाजा हुआ जब उन्होंने इन सब सिचुएशन के बाद माफी मांगने के बाद मुझसे जेवरात की डिमांड कर दी। मुझे उसी वक्त समझ आ गई कि ये सब कुछ उन जेवरात की वजह से है। समीना कहती है कि बेहिस है हबीब, और उसको कैसे पता लगा कि तुम्हारे पास जेवरात आ गए हैं? और जेवरात तो अभी दो दिन पहले तुम्हारे पास आए हैं, और उसको ऐसी क्या नीड पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत है कि उसको जेवरात बेचने पड़ गए? बहुत ही बेहिस है वो। मैं तो खुश हो गई थी कि वो बदल चुका है, लेकिन वो बदलने वाली चीज नहीं है। तो आयशा भी यही कहेगी कि मैं भी यही समझी थी और अब मुझे भी यही लगता है कि वो नहीं बदल सकते। तो मिलते हैं मायरी की अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।